हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सरसाइज 8.1 के पहले 6 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए बेटा, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द 7th वन। इज बायस्ड, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन द टू टॉसेस। अब देखो बेटा, नॉर्मली जब अपन कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने के और टेल आने के चांसेस सेम होते हैं बेटा। अपना नॉर्मल कॉइन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनबायस्ड कॉइन, जिसमें हेड और टेल दोनों आने के चांसेस सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड कॉइन। अब ये वाला जो कॉइन है बेटा, इट इज बायस्ड। बायस्ड मतलब उसका झुकाव एक तरह है। बायस्ड पता ना बेटा, अपन बोलते ना बेटा पार्शियलिटी बोलते हैं अपन इसको, आपके टीचर करते ना पार्शियलिटी, ही इज बायस्ड टू सम स्टूडेंट, है ना, जो उसको अच्छा लगता है। तो क्या होता है बेटा, दिस इज द बायसनेस, मतलब किसका झुकाव एक तरफ है। तो इसका झुकाव किसके पास है बेटा, कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। मतलब हेड जो है बेटा वो इट विल बी, उसकी जो प्रॉबर्टी है वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ टेल। नॉर्मली तो ये इक्वल होती है बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स, तो अपने को नंबर ऑफ टेल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। कैसे बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, probability of tail मतलब इसको अपन बोल सकते p is what बेटा, sorry of a head is 3 times that of a tail। मतलब ये क्या है बेटा, q is equal to 3 times p, q is equal to 3 times p, मतलब tail आने के अपन success मान रहे, सक्सेस किसको मान रहे बेटा, टेल आने को। तो फेलियर किसको मानेंगे बेटा, हेड आने को। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है दैट ऑफ अ टेल, नो q इज इक्वल टू 3p। ऑल्सो व्हाट वी नो दैट p प्लस q जो होता है वो 1 होता है बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द सेम इवेंट, दोनों का टोटल हमेशा 1 आता है बेटा। अब p की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है बेटा, 3p है, तो क्या आएगा बेटा, p प्लस 3p इज इक्वल टू 1, 4p is equal to 1, मतलब p कितना है 1/4, मतलब टेल की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4, और हेड की जो है बेटा, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3 टाइम्स, मतलब 3/4, ये किसकी है बेटा, हेड की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया बेटा, 3 टाइम्स। नॉर्मल इसमें दोनों हाफ हाफ रहते बेटा, यहां पर उसने 3 टाइम्स बोला। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेल व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड इन टू टॉसेस। अब टू टॉसेस में अपने को टेल्स क्या क्या मिल सकते हैं बेटा, व्हाट आर द प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या तो अपने को दोनों भी हेड मिलेंगे मतलब टेल जीरो, या वन टेल मिलेगा या टू टेल्स मिलेंगे। अब ये पहले अपन जीरो टेल्स की फाइंड करेंगे बेटा। जीरो टेल्स मतलब क्या बेटा, बोथ हेड। अब हेड आने के क्या है बेटा, हेड आने के जो प्रोबेबिलिटी है पी दैट इज 3/4, तो कितना है बेटा, ये पहला भी 3/4, दूसरा भी 3/4, मतलब कितना बेटा 9/16, दोनों भी हेड आने के 9/16 है। अब एक हेड और एक टेल बराबर है ना बेटा, वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, वन टेल मतलब वन विल बी हेड एंड वन विल बी टेल। तो कैसे आएंगे बेटा, ये 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, मतलब 2 × 3/16। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 6/16, कट कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर अपने को सेम आ रहा है। एंड बेटा टू टेल्स की क्या आएंगे बेटा, 1/4 × 1/4 दैट इज 1/16, कितने आएंगे बेटा 1/16। वाई 1/4 1/4, बिकॉज टेल पहला भी टेल दूसरा भी टेल 1/4 एंड 1/4, टोटल देखो बेटा 16/16 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड, बट दैट इज अ अनबायस्ड कॉइंस, जिसमें हेड आने के चांसेस ज्यादा है। आपने शोले फिल्म देखी होगी बेटा, उसमें वो बच्चन जो कॉइन डालता है ना बेटा, उसमें दोनों साइड में हेड है, एकदम लास्ट में बताता है बेटा, है ना, और हमेशा उसको जो चाहिए वैसे बोलता रहता बेटा, हेड तो मैं जीता टेल तो तू हरा, ओके टेल तो तू जीता और टेल तो कभी आना ही नहीं है, राइट बेटा, ओके। सो दैट इज नोन एज द बायस्ड कॉइन। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज आई डोंट नो द नंबर आउट हियर, लेट्स सी, आई थिंक इट इज द 8th वन। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x 1 2 3 4 5 6 7 एंड px k 2 k 2 k 3 k k स्क्वायर 2
के स्क्वायर एंड सेवन के स्क्वायर प्लस के, सबसे पहले अपने को के की वैल्यू फाइंड करने पर, तो x के जो वैल्यूज है वो है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 उनके जो प्रोबेबिलिटी दी है बेटा वो कैसे देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी के 2k 2k 3k स्क्वायर, के 2k 2k 3k स्क्वायर, सॉरी 3k है और बाद में k स्क्वायर है, ओके k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k, यहां पर है k स्क्वायर, ये जो है यह है 7k स्क्वायर प्लस k, और 6k क्या है बेटा, दिस इज 3k, गलती से मैंने किया है बेटा, एंड द लास्ट वन इज हाउ मच बेटा 2k स्क्वायर। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अपने को पता है बेटा k, अपने को पता है कि समेशन ऑफ p ऑफ x ये कितना रहता है बेटा, 1 रहता है ना, तो कितना आएगा बेटा k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, कितना था बेटा देखो k 2k 2k 3k 5 7 8k एंड 1 9k प्लस, अब k स्क्वायर कितने है देखो बेटा, k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर मतलब 10k स्क्वायर, ओके okay? और इनके जो टोटल है वो अपने को पता है कितने आती है बेटा, इट इज 1, 1 को इधर ले लेंगे बेटा मतलब 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10 सो दैट दे विल ऐड अप टू 9, तो क्या आएगा बेटा 10 एंड 1, 10 माइनस 1 इज 9, द साइन इज पॉजिटिव, मिडिल टर्म इज पॉजिटिव, सो विल गिव द पॉजिटिव साइन टू द ग्रेटर नंबर एंड नेगेटिव साइन टू द स्मॉलर नंबर, सो व्हाट वी गेट हियर, वी गेट 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वी कैन टेक 10k एज कॉमन, अंदर क्या आएगा बेटा k प्लस 1, वी कैन टेक माइनस 1 एज कॉमन, वी गेट k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 एंड 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब k इज इक्वल टू माइनस 1 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10k इज इक्वल टू 1, k कितना आएगा बेटा 1/10, नाउ k इज माइनस 1 विल नॉट बी वैलिड, क्यों वैलिड नहीं रहेगा बेटा, अगर मैंने इसमें माइनस साइन डाल दी तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना आएगा बेटा माइनस 1 व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ k एज 1/10, सो द फर्स्ट आंसर इज k इज इक्वल टू 1/10, ओके बेटा, ओके नाउ आगे क्या पूछा है उसने, we have to find the probability that x is less than 3, x is less than 3, 3 से कम चाहिए, मतलब क्या क्या आएगा बेटा 1 and 2 ही आएगा, x की वैल्यूज कौन कौन से आएंगे बेटा 1 and 2 only, 1 and 2, 3 आएगा क्या बेटा, 3 नहीं आएगा क्योंकि उसने less than बोला है, less than and equal to बोला होता तो फिर 3 भी आया होता बेटा, इसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 and 2 आएगा बेटा, तो कितना आएगा बेटा probability of 1 and probability of 2, probability of 1 कितना बेटा k है और probability of 2 2k है, so the probability that x is less than 3 is equal to what beta, probability that x is equal to 1 plus probability that x is equal to 2, ye kitna aata beta k plus 2k barabar hai na beta, k plus 2k which is equal to 3k, matlab k ki value to already apne find kar liye beta, 3 into 1/10, so the second answer will be 3/10, probability that x is less than 3 will be 3/10, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन, थर्ड में क्या पूछा है देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन x लेस देन 3, मतलब x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, 0 से बड़ा है 3 से छोटा है, मतलब 1 और 2 ही आएगा, द सेम वैल्यू जो पहले की आई है, सो सेकंड एंड थर्ड विल बी सेम, देखो बेटा प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन x लेस देन 3 विल बी व्हाट, 0 से बड़ा मतलब 1 और 2, तो इट इज सेम एज अबव, k प्लस 2k मतलब 3k, तो कितना आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 3 इज 3/10, द सेम एज व्हाट वी हैड इन द सेकंड प्रॉब्लम, आई डोंट नो देयर माइट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये मैंने चेक नहीं किया है बेटा,
The last one is probability that x is greater than 4. X is greater than 4. Probability that x is greater than 4. मतलब क्या है बेटा? 4 से ज्यादा आना चाहिए. 4 से ज्यादा मतलब क्या क्या आ सकता है बेटा? 5, 6 and 7. मतलब क्या आएगा बेटा? Probability that x is equal to 5 plus probability that x is equal to 6 and x is equal to 7. ये तो है ही नहीं बेटा. अब 5, 6 और 7 की probability is a square. सेवन के स्क्वायर प्लस कितना बेटा? सेवन के स्क्वायर प्लस के कितना है बेटा? के स्क्वायर टू के थ्री एंड सेवन टेन के स्क्वायर प्लस के. के की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट की है बेटा, वन बाय टेन है. वन बाय टेन स्क्वायर है बेटा, इसलिए दो बार, और ये भी वन बाय टेन. टेन विल गेट कैंसल. वन बाय टेन प्लस वन बाय टेन दैट इज 2 by 10, we can write it as 0.2 if we want. नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ तक भी आंसर चल सकता है बेटा. X is greater than 4, मतलब 5, 6 और 7 आएगा. Greater than or equal to अगर उसने बोला होता बेटा, तो फिर 4 भी आ गया होता उसमें. We would have to take the 4 also. Okay, let's go for the next one, that is the 9th one. Find the expected value and variance of X using the following PMF. अब देखो बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो है ये मैंने आपको बताया नहीं था, जानबूझ के नहीं बताया बेटा, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, एक साथ सब दिया तो. और अभी यहां पर अब जब आप करोगे तो आपको ताजा ताजा याद रहेगा. सो लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला. नाइन्थ वन, एक्स की जो वैल्यूज है माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू है, बराबर है ना? यस, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, एंड द प्रोबेबिलिटीज आर गिवन एज 0.2, 0.31, 0.15 एंड 25, 0.45 एंड 5. यस करेक्ट है, इनकी टोटल 1 आती है बेटा. अब देखो बेटा, अपने को पहले उसने बोला है टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. अपने को बोला है उसने टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. इसका जो फॉर्मूला ना है वो है समेशन ऑफ x इनटू px, समेशन ऑफ x इनटू p ऑफ x. अब ये कैसे आता है बेटा? उसके लिए अपन x और px दोनों का प्रोडक्ट करेंगे बेटा. ये x है, ये px है, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? ये 0.4 विद अ माइनस साइन. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा? -0.3. ओके, ये कितना आएगा बेटा? 0 इनटू एनी नंबर इज 0. ये कितना आएगा बेटा? 0.15, और ये आएगा 0.50. 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो उसके एडिशन कितने आएंगे बेटा? -0.4, -0.3, -0 प्लस 0, कुछ भी लिखो, 0.15 एंड 0.5. तो ये आएगा -0.7, -0.65 प्लस 0.65. मतलब इसको जीरो लिख देंगे बेटा ताकि फिर कंफ्यूजन नो. ये कितना आएगा बेटा? -0.05 विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मीन. मीन भी पूछा तो भी यही है. और मीन को कैसे डिनोट करते बेटा? एक्स बार से. तो एक्स बार भी लिखा तो भी चलता है. उसको अपन म्यू से भी डिनोट करते बेटा. एक्स बार, म्यू, एवरीथिंग वी कैन डिनोट बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. ओके बेटा, नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड इज द सेकंड वन, दैट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ना बेटा, इसको फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स, लेकिन माइनस म्यू स्क्वायर करना पड़ता है बेटा. माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस ऑफ एक्स. तो पहले अपन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करेंगे. ऑलरेडी अपन ने एक्स इंटू पी एक्स कर दिया है बेटा. डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं करना है बेटा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है. मतलब अपन क्या करेंगे बेटा, इसको वापस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, वही चाहिए अपने को. क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए बेटा अपने. वी वॉन्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. मतलब ये कितना आएगा बेटा? -0.4 and -2 will be +0.8. ये आएगा +0.3, ये आएगा 0. ये कितना आएगा बेटा? 0.15, और ये आएगा 1. ओके, अभी देखो बेटा, ये 1.1, 2.1 and 2.25 आएगा बेटा. कितना आएगा ये? This will be 2.25 minus mu square, मतलब -0.05 का square. कितना आता बेटा? ये तो 2.25, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा बेटा. 0.05 मतलब 25 तो आएगा 5 का स्क्वायर. डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद चार डिजिट्स रहेंगे. मतलब इसके लिए अपन डबल जीरो लेंगे, 0.0025. जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.24
75, दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स. ओके, इतने आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, बहुत इजी है बेटा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज -0.05, दैट इज द मीन वैल्यू ऑल्सो, और ऑल्सो के की वैल्यू 1/10. पूरे के पूरे आंसर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपने एक साथ लिखने बेटा एग्जाम. ओके, दैट इज वेरी वेरी कंपल्सरी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द 10th वन. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरियंस ऑफ एक्स, दोनों भी फाइंड करने बेटा. द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द फेयर डाई, अभी ऊपर जो आते हैं उसके नंबर, तो अभी आपने को पता है बेटा ये 10th वाला डाई के ऊपर जो नंबर आते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. दिस आर द नंबर विच कम ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई. जब अपन डाई फेंकते तो कौन कौन से नंबर मिलते हैं अपने को, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. उनके प्रोबेबिलिटीज क्या है बेटा, अपने को पता है बेटा इनके प्रोबेबिलिटी, सबके प्रोबेबिलिटी सेम है. मतलब 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 and 1/6. कैसे बेटा, चांसेस सबके सेम है, इट इज अनबायस्ड डाइस, सबके सेम है बेटा. अभी देखो बेटा, 1 आने के चांस 1, 2 आने के 1, 3 आने के 1, 4 आने के 1, 5 आने के 1 और 6 आने के 1, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 6, आउट ऑफ द टोटल ऑफ 6 बेटा, करेक्ट. सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज. अब अपने को क्या चाहिए बेटा, पहले x into px चाहिए फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये कितना आएगा बेटा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and 6/6. ओके, तो फिर सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब म्यू, मतलब एक्स बार, मतलब मीन. हमेशा सब लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये आपको समझ में आने के लिए कि दिस ऑल आर इक्वल. कितना है बेटा, सबके बेस डिनोमिनेटर सेम है, 1, 1+2+3+4+5+6. ओके बेटा, तो कितना है बेटा, 3+3, 6, 10, 15 and 21. ये कितना था बेटा, 21/6. एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 21/6. वी कैन डिवाइड दिस बाय 3 टू गेट व्हाट 7/2, मतलब 3.5 भी अपन लिख सकते इफ वी वांट. द नेक्स्ट थिंग इज द वेरियंस ऑफ एक्स. वेरियंस ऑफ एक्स क्या है बेटा, उसके लिए अपने को एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स चाहिए, करेक्ट. तो क्या करते हैं बेटा, अपन x और x पी एक्स का प्रोडक्ट लेते हैं. तो ये आएगा 1/6, ये आएगा 2 to the 4 by 6, ये आएगा 9/6, ये आएगा 16/6, ये आएगा 25/6 एंड फाइनली ये 36/6. अपन उसको 6 लिख सकते लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि एडिशन के लिए अपने को इजी जाएगा. फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर. तो ये कितना आएगा देखो बेटा, अभी ये आएगा सबके डिनोमिनेटर 6 है, 1+4+9+16+25+36 को भूल गया बेटा. ओके, एंड देन वी कैन ऐड इट. देख बेटा ये 40, 50, 70, 80, 91/6 आप भी इसका ऐड कर सकते हो बेटा. माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर मतलब कितना बेटा, 3.5 का स्क्वायर. अब 3.5 का स्क्वायर पता है बेटा अपने को, 25, 3, 4, 12, 12.25. ये कैसे कर सकते बेटा, 6, 1, 6, 6, 5, 30. 1 बचा बेटा, मतलब 1 और 6. ये आता 15.167 - 12.25. दिस विल बी 7, दिस विल बी 1, दिस विल बी 9, दिस विल बी 2.917 विल बी द वेरियंस. और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है बेटा, 3.5. ओके, सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर. Any answer given in the textbook may be 35/12, something like that. Again, this answer is correct. Okay. Let's go for the next one. Find the mean of the number of heads in 3 tosses of a fair coin. 3 toss ke beta, usme apne ko number of heads iska mean nikalna hai. Mean matlab expected value nikalna hai. The 11th one, x. Jab 3 coin toss kiye jate beta, तो कितने हेड्स मिल सकते हैं, या तो 0 हेड्स, या 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड. 3 से ज्यादा नहीं मिल सकते बेटा, 3 ही बार टॉस किए तो. उनके प्रोबेबिलिटीज क्या है बेटा,
तो अपन उसके लिए सैंपल स्पेस निकालेंगे बेटा। क्या आ सकता बेटा, मैंने पहले बोला एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड एच टी टी। सिर्फ चार ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाद में एच की जगह सिर्फ आपको टी करना है, जहां पर भी एच है वहां पर टी करना है। ओके, नाउ जीरो हेड मतलब ऑल द थ्री टेल्स एक ही बार आता है बेटा। वन हेड, देखो बेटा वन हेड वाला, ये एक और दो और ये तीन है, दो हेड वाले देखो बेटा वन टू एंड थ्री, ये भी और थ्री हेड वाला भी एक ही है, करेक्ट। टोटल कितने बेटा, एट है, इसके लिए विल डिवाइड बाय एट, विल डिवाइड बाय एट, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी वांट टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ दिस, मीन सिर्फ अपने को फाइंड करना है। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी आपको फॉर्मूला तो याद है, इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा बेटा, टेबल बना दूंगा। टेबल कैसे आएंगे बेटा, x इंटू पी ऑफ x, इन दोनों का प्रोडक्ट, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, ये आएगा थ्री बाय एट, ये कितना आएगा बेटा सिक्स बाय एट, और ये भी आएगा थ्री बाय एट। ओके, तो अपने को पता है बेटा म्यू मतलब मीन समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x, जीरो थ्री बाय एट सिक्स बाय एट एंड थ्री बाय एट, डिनोमिनेटर एट है बेटा तीनों का, थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री मतलब कितना आएगा बेटा, सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व बाय एट, मतलब फोर से डिवाइड करेंगे मतलब थ्री बाय टू आएगा बेटा, कितना आएगा थ्री बाय टू, वन पॉइंट फाइव भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, अगर आपकी इच्छा नहीं है यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो बेटा। ओके, एज इजी एज दिस थिंग। नेक्स्ट वन देखो बेटा, देयर आर इन ऑल 16 प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा है बेटा लेकिन फिर भी करना तो अपने को पड़ेगा, अच्छी प्रैक्टिस भी अपनी हो जाएगी। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्स, एक्स एक्स क्या है बेटा नंबर ऑफ सिक्स, अब दो डाइस फेंके तो सिक्स कैसे मिल सकते बेटा, जीरो वन या तो टू, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो है बेटा इसमें x के वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं बेटा, 0, 1 एंड 2, ओके, उनके प्रोबेबिलिटीज, उनके प्रोबेबिलिटीज ढूंढना अपने को चेक करना बेटा। तो अभी देखो बेटा जब दो डाइस फेंक देता हूं क्या क्या मिल सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ऐसे पूरे 36 है बेटा, कितने हैं 36, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद क्या क्या आ सकता बेटा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 एंड 5, 6, फाइनली 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी देखो बेटा नंबर ऑफ 6 है 0, 1 एंड 2 है, 0 तो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ 6 है जिसमें एक ही 6 है, देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, ये तो डबल सिक्स है बेटा, सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, कितने बेटा ये है टेन, जबकि टू सिक्सेस वाले ओनली वन है बेटा, और जीरो सिक्सेस वाले बाकी जो बचे हो ये इलेवन हो गए, मतलब टोटल थर्टी सिक्स है, मतलब कितने आएंगे बेटा ट्वेंटी फाइव आएंगे, करेक्ट ना। देखो बेटा एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, इनमें देखो बेटा इसमें कोई भी सिक्स नहीं है, इनमें कोई भी सिक्स नहीं है, इसके लिए ये कितना आएगा बेटा 25। एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना है मतलब उन्हें को चाहिए x इंटू पी एक्स, ये कितना आएगा बेटा 25 इंटू जीरो इज जीरो, टेन एंड ये टू आएगा। तो फिर म्यू मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कितना है बेटा, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x, मतलब हाँ अपॉन 36 लिखना भूल गए बेटा अपन, तो कितना आएगा बेटा ये 12 बाय 36, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितने आएंगे बेटा 1 बाय 3। ओके बेटा लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वो नंबर जो ढूंढे बेटा उसको बाजू में रख दिए बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब, और विद रिप्लेसमेंट मतलब जो नंबर अपन ने निकाले हैं उसको वापस उसी बॉक्स में रख के वापस जब निकालेंगे तो उसको वापस आने के चांसेस रहेंगे, इसके वापस आने के चांस नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स,
let x denotes the larger of the two numbers. Find the expected value of x. You have to find the expected value. Okay, beta. एक बार वापस क्वेश्चन ठीक से पढ़ के लेंगे अपन. टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर. लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. ओके बेटा, तो अभी देखो बेटा, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब उसने क्या बोला, लेट एक्स डिनोट्स द लार्जर नंबर. तो एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती बेटा, एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती क्योंकि 1 किसी से बड़ा नहीं है. अगर एक्स 2 है तो उससे छोटा एक ही बार आ सकता, मतलब ये कितना आएगा बेटा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना आएगा बेटा, इसका सिर्फ 1 आएगा, ओनली 1. अगर अपन ने 3 लिया बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, तो 3 के साथ कौन कौन से आ सकते बेटा, 3 के साथ 1 भी आ सकता और 3 के साथ 2 भी आ सकता, मतलब कितना आएगा बेटा, देर आर 2 चांसेस, कितने, 2. सिमिलरली अगर मैंने 4 लिया तो कितना आएगा बेटा, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, मतलब कितने आएंगे बेटा, 3 चांसेस आएंगे. x इज इक्वल टू 5 लिया तो कितना आएगा बेटा, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, द लार्जर नंबर, करेक्ट ना बेटा. तो ऐसे 4 ऑप्शंस है. और अगर 6 लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो कितना आएगा बेटा ये.